बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, और आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। आज मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं उसकी फिलिंग तैयार से पहले ही मैंने पैन में थोड़ा ऑयल डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ये 1 टीस्पून मक्खन ऐड कर रही हूँ उसी के अंदर। ये हम चिकन ब्रेड की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाले हुए हैं। ये मेरे पास कुटा हुआ लहसुन है, और ये ऑरेगानो है, नमक, चिकन पाउडर और काली मिर्च। सबसे पहले हम इसमें लहसुन ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको सौते करेंगे, थोड़ा सा ये हीट अप हो जाए। अफ्तारी का टाइम है, इस टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें चूल्हे पे बन रही होती हैं। और इसी के साथ फिलिंग के अंदर मैं यहाँ पे चिकन का कीमा ऐड करूँगी। ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन का कीमा है, और ये मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। आप लोग आज अफ्तारी में क्या क्या बना रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइडियाज़ बहुत कम होते हैं, तो पता होना चाहिए लोग क्या क्या बना रहे, ताकि हम भी अपने घर में वो ट्राई करें। और दूसरी तरफ मैंने ये ब्रेड रोल्स बनाए हुए हैं, ये फ्राई करूँगी। ये लहसुन हमारे पास हो गया है यहाँ पर। अब हम इसमें जो है ये सब मसाले ऐड कर रहे हैं, हल्का सा मैं इसको फ्राई करूँगी। अब ये चिकन ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। साथ ही मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून सिंपल मैदा लिया है, मैं इसमें डालूंगी इसको क्रीमी बनाने के लिए। ये मिल्क है मेरे पास 1 कप है, देखते हैं हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। अभी मैंने 1/2 कप डाला है। ये 3/4 कप में मिल्क ऐड करी हूँ इसके अंदर। ये सिंपल मैं इसकी इटालियन मिक्सिंग बना रही हूँ। आप चाहें तो बारबेक्यू भी बना सकते हैं, टिक्का फिलिंग भी बना सकते हैं, इसकी बहुत सारी फिलिंग्स बन सकती हैं। अब मैं इसमें चीज़ ऐड कर दूँगी। ये मैंने श्रेडेड चीज़ रखी हुई है। थोड़ी सी हम अभी डाल दें, और थोड़ी सी हम बचा लेते हैं जब हम फिर इसको हम डो में डालेंगे। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब चिकन ब्रेड की फिलिंग के बाद यहाँ मैं डो की तैयारी कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले नमक डाला है, और उसके बाद 1 टीस्पून चीनी और 2 टीस्पून मक्खन, और ये 3 कप मैदा मैंने लिया है। ईस्ट मैंने पहले से ही दूध में मिक्स करके रख दी थी, और वो फूल गई है। नीम गरम दूध में मैंने किया था इसको, बहुत तेज़ गरम दूध नहीं लेना, वरना ईस्ट एक्टिवेट नहीं होती है। अब इस डो को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसका अच्छा सा हम डो फ्लफ़ी डो बना लेंगे, और इसको रेस्ट करने रख देंगे 2 से 3 से 4 घंटे तक, और फिर ये अच्छे से हो जाएगा।
अब जैसे आपने देखा इसकी गोल सी रोटी बना के अब मैं इसके दोनों तरफ कट लगा रही हूँ। उसके बाद हम इसका एक पैटर्न बनाएंगे और फिर इसको हम बेक करने रख देंगे। इस तरीके से मैंने एक के ऊपर सबको कर दिया। यहाँ मेरे पास अंडे की जर्दी है उसके बाद, और अंडे की जर्दी को मैंने सारा चिकन ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर दिया है, अच्छे से लगा दिया है। ये एक ग्लॉसी लुक देगा। और उसके बाद मेरे पास तिल है और तिल मैंने इसके ऊपर छिड़क दिए हैं और इसको फिर मैं बेक होने रख यहाँ मेरे पास केक का पैन है, इसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया, ग्रीस कर लिया है। और ये जो मैंने ब्रेड बना के रखी हुई है फिल करके, इसको मैं उठा के इसमें रख दूँगी। और फिर इसको बेक करेंगे। स्टोव ओवन पे बना रही हूँ मैं। ये मैंने चिकन ब्रेड इसके अंदर रख दिया। अब इसको हम छोड़ देंगे एटलीस्ट 25 मिनट्स के लिए। उस 25 मिनट्स में फिर हम इसको दोबारा चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने अभी ढक्कन खोला, चूल्हा बंद किया है। अब मैं इसको जो है डिश आउट करती हूँ। ये पड़ा हुआ था चिकन का, वो मैंने अंदर फिल कर दिया थोड़ा सा केचप लगा के। अब इसी तरह मैं इसमें अंडे की जर्दी लगा रही हूँ और तिल डाल दूँगी। थोड़ा सा डिफरेंट करके देख रही हूँ, फिर मैं इसका एंड रिज़ल्ट आपको दिखाती हूँ। अभी तिल डालने है ना। अब मेरे पास जो तिल रखे थे वो मैं थोड़े से इसमें डालूँगी। देगची रखी हुई थी चूल्हे पे, अब इसी देगची के अंदर मैं ये डाल दूँगी। और अब इसको जो है मैं बेक होने रख दूँगी 20-25 मिनट। चिकन पाए बनाया मैंने और बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ और इतने मज़े का था। चिकन ब्रेड और चिकन पाए दोनों सेम फिलिंग से बहुत ज़बरदस्त बने और सेम डो। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा।